एक विराम बाद स्वागत छे आपनुं। त्यारे ज केईसी इंटरनेशनल रिजल्ट पोस्ट थता देखाया था ने हाल केईसी इंटरनेशनल एमडी अने सीईओ विमल केजरीवाल आपणी साथे जोड़ाई गया छे। मिस्टर केजरीवाल, गुड आफ्टरनून, सीएनबीसी बाजार पर आपका स्वागत है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रेवेन्यूज की अगर बात करें, एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखा है, क्या जीएसटी इम्पैक्ट इसमें हम देख सकते हैं और आगे चलते हुए आने वाले क्वार्टर्स में भी इम्पैक्ट कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा? देखिए, क्वार्टर टू में थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था जीएसटी का, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी कि किस तरह से बिलिंग करेंगे क्लाइंट्स को, जो खासकर गवर्नमेंट क्लाइंट है, तो थोड़ा सा Q3 में चलेगा, लेकिन ओवरऑल Q4 तक जाते ही आते सारा ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। साथ ही अगर मार्जिन्स की बात करें, काफी हेल्दी रहे इस बार मार्जिन्स, लगभग 10% का अप ट्रेंड वहां पर आते हुए दिखा, सस्टेन होते हुए दिखेंगे मार्जिन्स? हाँ, अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में 10.1 थे और ओवरऑल हाफ ईयर में 9.7 है, तो कोशिश तो हमारी यही है कि पूरे साल में कम से कम 10% रहे मार्जिन। जी बिल्कुल। साथ ही सर, अगर डीमोनेटाइजेशन और उसके इम्पैक्ट की बात करें, करीब एक साल हो चुका है डीमोनेटाइजेशन को, किस तरह का इम्पैक्ट आपने देखा अपने बिजनेस पर? नहीं, अभी तो कोई खास बात नहीं, जब जिस वक्त हुआ था पिछले नवंबर दिसंबर में, तब थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ वर्कर्स को, सैलरी का, ट्रांसपोर्ट वगैरह का, बट वो एक दो महीने के लिए था, वो तो खत्म हो गया। अब तो कोई इम्पैक्ट इस साल में तो नहीं दिख रहा है उसका। जी बिल्कुल। साथ ही अगर रेलवे बिजनेस की अगर हम बात करें, काफी अच्छा एक्शन वहां देखने को मिला, लगभग 80% ऑफ अपटिक वहां पर भी आती हुई देखी, आने वाले दिनों में भी ये सस्टेन होता दिखेगा या फॉर द टाइम बीइंग ये इस तरह का एक्शन हम रेलवे बिजनेस में देख रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत क्लियरली सस्टेनेबल है। हमारे पास आज 1300 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो ये 80% ग्रोथ तो होगा ही होगा। प्लस अब जब से नए रेल मंत्री आए हैं गोयल जी, तब उन्होंने और फास्ट ट्रैक करने को कहा है, 5 साल के इलेक्ट्रिफिकेशन 3 साल में करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो और ऑर्डर्स आएंगे और ये ग्रोथ क्लियरली सस्टेनेबल रहेगा। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। त्यारे जो सिप्लाना क्वार्टर टू ना रिजल्ट पोस्ट थता देखाई रहा है।